हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड हैविंग फन इन लाइफ। तो आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लाई हूँ और बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। दिस इज़ चीज़ चिली टोस्ट। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट एंड ईजी रेसिपी। सबका अपना अपना बनाने का तरीका है। मैंने एक शेफ़ है, शेफ़ रणवीर ब्रार, उनसे इंस्पायर होकर ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। थोड़ी बहुत चेंजेस करके अपने अपने स्टाइल में बनाने की कोशिश की है। आई होप आप सबको पसंद आए। तो चलते आगे, मैं आपको दिखाती हूँ इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। इसके लिए मैंने थोड़ा कैप्सिकम लिया है, दैट इज़ ग्रीन कैप्सिकम, लिटिल बटर, चीज़ के 2 क्यूब्स लिए हैं, एंड ब्लैक पेपर 1 टी स्पून, 1/2 टी स्पून, ग्रीन चिलीज मैंने 2 ग्रीन चिलीज लिए हैं, दैट इज़ गार्लिक पाउडर एंड लिटिल कोरिएंडर। गार्लिक पाउडर आपके पास अगर नहीं है फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट ले सकते हैं, फ्रेश गार्लिक पेस्ट, उससे और अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैंने एक बड़ा सा बॉल ले लिया है, उसके अंदर मैं बटर ऐड कर रही हूँ। चीज़ चिली टोस्ट में बटर कोई कोई लोग नहीं डालते हैं, बट बटर इज़ वेरी नाइस, अगर आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब जो बटर और चीज़ था उसे मैंने थोड़ा सा मैश कर दिया, आपस में मिक्स कर दिया, और जो भी कैप्सिकम, कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ वगैरह है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जो सारी चीज़ें मैंने आपको शो की थी, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, सब मैं इस बाउल में डालकर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ब्लैक पेपर अराउंड मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून से भी कम लिया है मैंने। अब मैंने इसके अंदर मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है श्रेडेड। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो यूज़ करिए, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप मोज़रेला चीज़ ही यूज़ करिए। अब ये सारा मिक्सचर जो है वो मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो इसके अंदर चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो भी ऐड कर सकते हैं, बट चिली फ्लेक्स मैंने इसलिए नहीं डाला बिकॉज मेरी ग्रीन चिली जो है वो बहुत ही स्पाइसी थी। आप देख सकते हैं इसका मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स किया मैंने और ये इस तरह से बन गया था, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, और एक जान हो गई थी सबकी। यहाँ मैंने जो ब्रेड है उसे थोड़ा सा तवे पे हल्का सा आगे पीछे से टोस्ट कर दिया है। आप चाहे तो टोस्टर में हल्का सा टोस्ट कर सकते हैं। अब आप मैं जो मिक्सचर है मैंने रेडी किया था चीज़ चिली टोस्ट का, वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है बिकॉज चीज़ और जो दोनों चीज़ हैं उसमें सॉल्ट होता है। इफ़ यू वॉन्ट आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट नीडेड। मैंने जो चीज़ चिली टोस्ट का मिक्सचर था उसे इवनली पूरा ब्रेड पे स्प्रेड कर दिया है। स्प्रेड करने के बाद मैं अब ये दोनों स्लाइसेस को पैन में हल्का सा टोस्ट कर दूंगी, ढक्कन रखकर मैं टोस्ट करने वाली हूँ बिकॉज इसका जो चीज़ और बटर है वो थोड़ा मेल्ट होगा तभी इसका टेस्ट अच्छा आने वाला है। तो मैंने लिड रख दिया है और अब ये अच्छा से नीचे से क्रिस्पी हो जाएगा और ऊपर से हल्का सा सॉफ्ट एंड बटरी हो जाएगा, चीज़ी हो जाएगा, एंड इट वुड टेस्ट वेरी यम। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिख रहा है। ये देखिए इसका फाइनल लुक, आप देख सकते हैं जो चीज़ और बटर है वो कैसे शाइन कर रहा है। चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया था। अब मैं इसे निकाल दूँगी, नीचे से अच्छे से ब्राउन हो गया है, मैंने चेक कर लिया है, एज आई वॉन्टेड ये बन गया था। तो मैं इसे पैन में से निकाल दूँगी और सर्व कर दूँगी प्लेट में। मैंने बाकी भी स्लाइसेस ऐसे ही बना दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ चिली टोस्ट रेडी हो गया है, रेडी टू ईट। तो इट्स अ वेरी क्विक एंड ईजी रेसिपी फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर आपके किड्स को भी बहुत पसंद आएगी। आप किड्स को टिफ़िन में या फिर ब्रेकफास्ट टाइम पर दे सकते हैं, स्नैक्स टाइम पर दे सकते हैं, वो लोग बहुत ही मज़े लेके खाएँगे। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। इट्स अ वेरी क्विक एंड ईजी रेसिपी, आप जल्दी बना सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी बना सकते हैं, वो भी मज़े लेके खाएंगे। तो यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।